अखिलेश यादव ने पीडीए को बहुत सीरियसली ले लिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वो मांगने लगे हैं कांशीराम के लिए भारत रत्न। जी हां, बसपा के संस्थापक कांशीराम के लिए अब समाजवादी पार्टी मांग रही है भारत रत्न। दरअसल भारत सरकार ने घोषणा की है कि इस बार कर्पूरी ठाकुर, जो कि जननायक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबे समय तक लड़ी, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। ये घोषणा केंद्र सरकार ने की और इसके बाद से लगातार पॉलिटिक्स भी जारी है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, मायावती ने भी ट्वीट किया। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि भाई कांशीराम को ये मिलना चाहिए। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव की पार्टी ने एक दाव खेला। उन्होंने 5-6 नाम आगे बढ़ा दिए और इन नामों में कांशीराम का भी नाम है, जिनके लिए वो भारत रत्न की मांग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक पोस्ट किया, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले इन महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करे सरकार। और इसमें जो तस्वीरें हैं उनमें पहली जो तस्वीर है वो कांशीराम की है, अगर आप दाएं से बाएं जाएंगे। वहीं अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो पहली तस्वीर राम मनोहर लोहिया की है, उसमें वीपी मंडल शामिल है, मुलायम सिंह यादव है और चौधरी चरण सिंह हैं। दरअसल वीपी मंडल, लोहिया या चौधरी चरण सिंह या मुलायम सिंह यादव, इनकी पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी हमेशा करती है। ये सभी ओबीसी समुदाय के नेता है, हालांकि जाट जो है, जिससे चौधरी चरण सिंह आते हैं, वो केंद्र सरकार की नौकरियों में अभी भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार में उनको ये है, नौकरियों का आरक्षण है। तो कुल मिलाकर इनके लिए तो समाजवादी पार्टी हमेशा से इस मोड पर रही है, लेकिन जिस तरीके से कांशीराम को इसमें ऐड किया गया है, बड़ा दिलचस्प मामला है। दरअसल लगातार पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव दलित पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बने मायावती, लेकिन वो नहीं आई। तो कुल मिलाकर वो मायावती को लेकर भी बड़े सॉफ्ट नजर आए हैं, जबकि मायावती ने उन्हें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरगिट तक, यानी गिरगिट से उनकी तुलना कर दी थी उसके बाद भी। और अब कांशीराम के मुद्दे पर भी बसपा के जो बरक्स खड़े नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल बीते दिनों मायावती ने भी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कांशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मायावती ने लिखा बीते दिनों कि देश में खासकर अति पिछड़ों को उनके संवैधानिक हक के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करके उन्हें सामाजिक न्याय व समानता का जीवन दिलाने वाले जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को आज उनकी 100वीं जयंती पर अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे महान व्यक्तित्व श्री कर्पूरी ठाकुर जी को देर से ही सही अब भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए उनके परिवार एवं सभी अनुयायियों आदि को भी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इसी प्रकार दलितों व अन्य उपेक्षितों को आज सम्मान के साथ जीने व उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी का योगदान ऐतिहासिक व अविस्मरणीय है, जिन्हें करोड़ों लोगों की चाहत अनुसार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना जरूरी। ये कहना था मायावती का और अब उस पे समाजवादी पार्टी का ये पोस्ट। कुल मिलाकर कांशीराम को भारत रत्न दिलाने के लिए अब मायावती भी उसी पेज पर खड़ी है और उसी पेज पर अखिलेश यादव की पार्टी सपा भी नजर आती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी जो ये नया पीडीए पॉलिटिक्स में खासकर दलित पॉलिटिक्स कर रही है, उसका कुछ असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।